तीन ही ऐसे कदम हैं जिसके चलते आपको डॉक्टर की आवश्यकता होती है या आप बीमार पड़ते हैं। अगर इन तीन चीजों को, तीन स्टेप्स को अगर आप सुधार लें तो नहीं आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और नहीं आप बीमार पड़ेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन तीन स्टेप्स में पहला जो कदम है, इन तीन कदमों में पहला जो कदम है आपका आहार, और दूसरा है आपका शारीरिक श्रम, और तीसरा है आपका मानसिक बेचैनी। अगर इन तीन चीजों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो नहीं आप बीमार पड़ेंगे और नहीं आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। पहला चीज है आहार। आहार में होता है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना और ज्यादा फैट्स लेना, यानी चीनी की मात्रा और तैलीय पदार्थों का ज्यादा सेवन। दूसरा, कम फाइबर और कम प्रोटीन का लेना। अगर आप कम प्रोटीन और कम फाइबर लेते हैं तो कम प्रोटीन लेने की वजह से आपको क्या होता है, इम्यूनिटी कम होती है, जिससे आप बार बार बीमार पड़ते हैं। कम फाइबर यानी रेशा वाली चीज खाते हैं तो पेट संबंधित बीमारियों के होने के चांस ज्यादा रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी खाते हैं तो डायबिटीज, मोटापा, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चांस, फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर, इन सभी चीजों से आप ग्रसित हो जाते हैं। ज्यादा तेल खाते हैं तो फैटी लीवर हो गया, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, तो इन सब चीजों से आपको ये सब बीमारियां होती हैं। तो ये आहार हो गया। अब हम अगर बात करें कि आपका शारीरिक श्रम, तो कम से कम सप्ताह में आपको 2 घंटे से भी कम टहलना सप्ताह में, जबकि टारगेट है पर डे का 2 घंटे टहलना, लेकिन अगर सप्ताह में 2 घंटे से भी कम आपका शारीरिक श्रम होता है, यानी अपने शरीर से कोई श्रम, या तो आप एक्सरसाइज या खेतों में काम या जो भी शरीर से करने वाली चीजें हैं उनकी एक्टिविटी अगर 2 घंटे से कम है, यानी विग्रस एक्सरसाइज 2 घंटे से कम है, तो आपको बीमार पड़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि जो आप खाते हैं वो आपके शरीर में बढ़िया से पाचन होने के बाद वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उसके बाद से 1/2 घंटे से भी कम खुली धूप में रहना, यानी आपको विटामिन डी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, यानी 1/2 घंटे से भी कम आपको चमड़े को धूप दिखलाना। अगर ये करते हैं तो विटामिन डी न मिलने से आपका इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता डिफेक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, और आपको बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये तो हो गया आपका शारीरिक श्रम वाला पार्ट। और तीसरा है मानसिक बेचैनी, यानी आपको पर डे 6 घंटे से भी कम सोना, यानी अगर आप पर डे 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपको बीमार पड़ने, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो सकती है या मानसिक बीमारी हो सकती है, तो ये आपको हो सकते हैं। और वर्तमान में न जिक्र, जो आपका प्रेजेंट कंडीशन है यानी जो वर्तमान स्थिति है उसमें आप न जी करके भूतकाल और भविष्यकाल, यानी जो आपका समय बीत गया, खराब हो अच्छा हो, उसमें जीना, या आने वाले समय के विषय में आपको भय करना, आने वाला समय के विषय में अगर सोचेंगे तो आपको वो क्या देगा, आपको वो आपको एंजाइटी देगा, यानी आपको बेचैनी पैदा कराएगी, और बीते हुए समय के विषय में अगर सोचेंगे तो वो आपको डिप्रेशन, अवसाद के रूप में लेके जाएगा। तो ये तीन सेगमेंट पे अगर आपने काम कर लिया कि हमको आहार में क्या लेना है, अगर हमको 2 घंटे का जो श्रम है और खुली धूप में रोज 1/2 घंटा रहना है, और अपने मानसिक लेवल को मेंटेन करते हुए कम से कम 6 घंटे सोना है, और अपने वर्तमान स्थिति जो भी हो उसमें जीना है, संघर्ष करना है, तो आपको आपको कोई बीमारी नहीं होगी और नहीं आपको किसी डॉक्टर की जरूरत होगी। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या आपको करना होगा। करना ये होगा कि आपको कम कार्बोहाइड्रेट लेना होगा, कम आपको फैट्स लेना होगा, आपको फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेना होगा, आपको 2 घंटे का पर डे का शारीरिक श्रम, यानी प्रत्येक दिन कम से कम 2 घंटे का शारीरिक श्रम, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो, चाहे वो आपके खेतों में काम करने से हो, चाहे वो आप साइकिलिंग करके ले रहे हो, 2 घंटे का शारीरिक श्रम एकदम नीड है, आपको करना होगा। और उसके बाद से आगे है कि आपको 1/2 घंटे पर डे कम से कम अपनी चमड़ी को धूप दिखलाना होगा, यानी खुले धूप में आपको कपड़ा उतार के चमड़ा को धूप दिखलाना होगा, जिससे आपको विटामिन डी मिले। और अगर हम मानसिक लेवल की बात करें तो आपको 6 घंटा कम से कम सोना होगा, और वर्तमान की स्थिति में जीना होगा, भूत के विषय में चिंता और भविष्य के विषय में डर आपको नहीं करना होगा। यही आपके मूल मंत्र है स्वस्थ रहने के। धन्यवाद।